हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी थ्री बाय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देंगे गूगल पे कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है, क्योंकि दोस्तों गूगल पे के माध्यम से आप सभी को काफ़ी सर्विस देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर स्कैनर का ऑप्शन है, पे अकाउंट का ऑप्शन है, उसके बाद पे फोन नंबर का ऑप्शन है, बैंक ट्रांसफ़र, यानी बहुत सारे ऑप्शन फोन जो गूगल पे के माध्यम से आपको मिल जाता है। तो चलिए, कैसे अकाउंट को क्रिएट करना है मैं इस वीडियो में आप सभी को बता रहा हूँ। दोस्तों, गूगल पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करके सर्च बार में आपको टाइप करना है गूगल पे, ठीक है दोस्तों। और इस एप्लीकेशन को पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर पहले इंटर कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर ओटीपी जाएगा, उसके बाद ओटीपी डालकर वेरीफाई कर देना है, ठीक है। तो ओटीपी आने में कुछ समय लगता होगा, तो आप वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर लिखा है ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर बैंक का नाम सर्च कीजिएगा, किस बैंक में आप मतलब गूगल पे में ऐड करना चाहते हैं। तो मैं अपने बैंक का नाम सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस नंबर से वेरीफाई होगा। उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अपने एटीएम का लास्ट 6 अंक डालना है, उसके बाद यहाँ पर डेट डालना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आगे की तरफ क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका बैंक ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेट यूपीआई नंबर का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके यूपीआई नंबर सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जितना सर्विस है वो सभी सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर स्कैन का ऑप्शन है, स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर पे अकाउंट का ऑप्शन है, उसके बाद पे फोन नंबर का ऑप्शन है, उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। यानी आपको इतना सारे ऑप्शन मिल जाता है आपके किसी के अकाउंट में पैसा भेजने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद पे बिल का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद सेल्फ ट्रांसफ़र का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसके बाद पे यूपीआई आईडी नंबर से आप किसी के अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, मतलब जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो जितना आप फोन पे के माध्यम से लेन देन किए हैं वो यहाँ पर शो कर जाएगा, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में पैसा आया होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिसीव होगा और शो करेगा कब कब आपके अकाउंट में पैसा आया है, यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अगर आप भेजे भी होंगे तो यहाँ पर शो करेगा। अगर पैसा आपके अकाउंट में आया है तो यहाँ पर प्लस का आइकन रहेगा, नहीं आया तो इस तरह का आइकन आपको मिलेगा। अब दोस्तों नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए चेक बैलेंस का ऑप्शन है, चेक बैंक बैलेंस का, यहाँ पर क्लिक कर देना।